जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड चैप्टर प्लांट पार्ट्स। लेट्स स्टार्ट। वी यूज मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज अवर फूड। हम प्लांट्स के पार्ट्स को फूड की तरह यूज़ करते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अ वीडियो ऑफ प्लांट पार्ट्स। ओके, देन लेट्स गो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लाइक ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स। These parts of the plant help them grow, survive and reproduce. Parts of a plant above the soil that we can see called shoot of a plant. Parts of a plant below the soil that we cannot see is called root of a plant. Parts of a plant. Leaves, stem, flowers, fruit, roots. Functions. Different parts of the plant have their own functions. They help in making, distributing and storing foods. Stem. Stem is strong and help hold up plant. It allows water and nutrients to flow up the leaves. Stems जो खाने में यूज होते हैं, sugar cane and asparagus. Leaves collect sunlight and make food for the plant. Every plant has a different kind of a leaf. सभी plant के अलग अलग style के leaves होते हैं. Leaves जिन्हें हम खाने में यूज करते हैं, fenugreek leaves and cilantro leaves. Now roots. Roots absorbs water and minerals from the soil and holds the plant so it cannot move. Roots जिन्हें हम खाने में यूज करते हैं, potato and carrot. Flowers. Flowers are the part of plant that makes seed and fruits. Flowers colorful so easily attracts hummingbirds and bees. Flowers, sunflower and rose. Fruits. Fruits protect seeds. They help plants spread seeds out because animals transport and discard seeds when they eat fruits. Fruits jinhe hum khane mein use karte, eggplant and strawberry. Most plants grow from a seed. Plants need sunlight, soil, water and air to grow. Plants cannot move. They make their own food using water, air and sunlight. We eat the stem of some plants. Hum kuch plants ke stem ko khane mein istemal karte. For example, sugar cane. Sugar cane ka juice हम शुगर बनाने के लिए यूज़ करते हैं एंड हम उसे रो भी खा सकते हैं, यानी ऐसे ही खा सकते हैं। नेक्स्ट, जिंजर। जिंजर इज ऑल्सो अ स्टेम। उसे हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। वी एट सम फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स।
फॉर एग्जाम्पल एप्पल, पपया, बनाना एंड मेनी मोर. वी एट लीव्स ऑफ सम प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, कैबेज, मेथी. मेथी का हम उसके लीव्स का भी यूज़ करते हैं एंड सीड्स का भी यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए. नेक्स्ट, वी एट द सीड ऑफ सम प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल व्हीट. व्हीट का हम यूज़ सीड्स का करते हैं और उसका फ्लोर में कन्वर्ट करके बाद में उसकी रोटी बनाते हैं. राइस. राइस का भी हम वेरियस टाइप से कुकिंग में यूज़ करते हैं. उसका फ्लोर का भी यूज़ होता है एंड राइस को पका के भी हम खा सकते हैं. मेज. मेज का भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़ होते हैं. मेज यानी मकई. मक्के के दाने हैं ये. दिस इज बार्ली. उसका भी हम खाने में यूज करते हैं एज अ सीड. नेक्स्ट, वी एट द रूट ऑफ सम प्लांट्स. हम किसी किसी प्लांट्स के रूट्स का खाने में इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टर्निप, कैरट एंड रेडिस. इसका हम कुकिंग में यूज करते हैं. रेडिस यानी मूली. यहाँ पे लर्नवेल में हमें एक एक्टिविटी दी गई है. मैच द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स करेक्टली विच वी एट विथ पिक्चर्स क्लू. यहाँ पे हमें सम पिक्चर्स दी गई है एंड प्लांट्स के पार्ट्स दिए गए हैं लिखे हुए. नाउ हमें इन्हें मैच करना है. ए फ्रूट्स. फ्रूट्स तो यहाँ पे पिक्चर कौन सी है जो इसके साथ मैच होगी? फिफ्थ नंबर की, मतलब ए के साथ आएगा फाइव. नेक्स्ट है बी सीड्स. तो उसके साथ यहाँ पे कौन सी पिक्चर आएगी? फोर्थ वन, जहाँ पे वीट दिए गए हैं. तो फोर्थ वन जो है वो कौन किसके साथ आएगी? सीड्स के साथ, यानी बी एंड फोर. नेक्स्ट सी फ्लावर्स. फ्लावर्स है उसके साथ कौन सी पिक्चर में हो रही है? सिक्स वन. सिक्स वन पिक्चर जो है वो कॉलीफ्लावर की है जिसे हम खाने में यूज करते हैं. कॉलीफ्लावर एक फ्लावर है. दैट्स वाई सी एंड सिक्स. नेक्स्ट इज डी लीव्स. उसके साथ कौन सी पिक्चर आएगी? फर्स्ट वन लीव्स. हम फेनुग्रीक, स्पिनेच और कैबेज, मेथी, इन सब के लीव्स खाने में यूज करते हैं. मतलब डी के साथ वन आएगा. नेक्स्ट रूट्स. तो यहाँ पे कौन सी पिक्चर है जो इसके साथ मैच होगी? यस सेकेंड वन. सेकेंड वन में हमें टर्निप, कैरेट एंड रेडिस उसकी पिक्चर्स दी गई है जिसे हम खाने में यूज करते हैं. दे आर रूट्स. सो ई के साथ टू आएगा. लास्ट वन इज स्टेम एफ. उसके साथ क्या आएगा? अभी हमने पढ़ा उसके साथ थर्ड वन पिक्चर आएगी शुगर केन की है. जो स्टेम के साथ क्या आएगा? शुगर केन की पिक्चर, मतलब एफ के साथ थ्री. ओके.
यहाँ पे आपको स्टडी नोट्स में चैप्टर नंबर 3 प्लांट्स पार्ट्स के सम न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। वो न्यू वर्ड्स आपको 2 टाइम लिखने हैं जीए की बुक में। यू हैव टू राइट इट 2 टाइम्स इन योर जीए नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न इट। यहाँ पे 1 बाय 1 में इनको पढ़ रही हूँ। फर्स्ट फ्रूट्स, फ्रूट्स यानी फल। सेकंड सीड्स, सीड्स यानी बीज। थर्ड फ्लावर्स, फ्लावर्स यानी फूल। फोर्थ लीव्स, लीव्स यानी जो उसके पर्ण होते हैं उसे हम लीव्स बोलते हैं। फिफ्थ रूट्स, रूट्स यानी मूल। सिक्स स्टेम्स, स्टेम्स यानी उसका जो शाखा होती है उसे क्या बोलते हैं, स्टेम्स। सेवन सुगर कैन, सुगर कैन इज अ, उसे हम क्या कहेंगे, सुगर कैन को, सुगर कैन जो है उससे हम चीनी बनाते हैं। इट्स अ प्लांट। जिंजर यानी अदरक। लोटस यानी कमल, कमल का फूल। लोटस की जो स्टेम होते हैं वो खाने में यूज होते हैं। टेंथ स्पिनेच, स्पिनेच जो है उसके लीव्स हम खाने में यूज करते हैं। कैबेज वो भी एक वेजिटेबल है, उसको खाने में यूज करते हैं। मेज, मेज जो है उसके सीड्स को हम खाने में यूज करते हैं। मेज यानी मक्का, मकई। 13 बेली, बेली के हम सीड्स को खाने में यूज करते हैं। 14 टर्निप, टर्निप के रूट्स को हम खाने में यूज करते हैं। एंड लास्ट वन रेडिश यानी मूली, मूली को भी हम खाने में डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। आपकी स्टडी नोट्स में लर्न वेल में जो एक्टिविटी दी गई है उसके आंसर्स दिए गए। मैच द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स करेक्टली विच वी ईट विथ पिक्चर्स क्लू। उसके यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। ए यानी फ्रूट्स के साथ 5th नंबर की पिक्चर आएगी। बी यानी सीड्स के साथ वीट की जो 4th नंबर की पिक्चर आएगी। सी यानी फ्लावर्स के साथ कॉलीफ्लावर की 6th नंबर की पिक्चर आएगी। डी यानी लीव्स के साथ 1st पिक्चर आएगी। ई यानी रूट्स के साथ टर्निप एंड जो कैरेट की पिक्चर है 2nd वो आएगी। एंड एफ, एफ के साथ स्टेम सुगर केन वाली 3rd पिक्चर आएगी। ओके थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।